नमस्कार, मैं कीर्ति। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पावर बढ़ा दिया है। दिल्ली के एलजी राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग, नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे दिया है। अब अधिसूचना में क्या कहा गया है वो भी जान लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45 डी के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अगले आदेश तक किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे जाए, के गठन के लिए या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45 डी के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इस संबंध में गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के तुरंत बाद उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, क्योंकि महापौर शैली ओबेरॉय ने इससे पहले ये कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देती। राष्ट्रपति के नए आदेश से दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। पिछले साल राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसका आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि अधिकारियों का ट्रांसफर और उनकी नियुक्तियां अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और दिल्ली सरकार के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट इसके सदस्य होंगे। अब प्राधिकरण को बहुत से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और अंतिम निर्णय उपराज्यपाल के पास है। अब केंद्र सरकार ने यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ेगा।